मण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्त से बंधु, हम बड़ी श्रद्धा के साथ एकत्र होते हैं, मुझे खुशी होती क्या हम अधिक आशीर्वाद लेने के लिए और कुछ उनके छोटे मोटे बातें सुनने के लिए और इस सत्संग को सफल करने के लिए हम आप आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन पहले से कुछ प्राप्ति करना है, आए और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें उसे, ये बड़ा जरूरी है। प्राप्त करना क्या मतलब, आपको कुछ देगा कोई लेकर जेब में डालेंगे प्राप्त हो गए, तो यहां आकर आप क्या लेके क्या जाते हैं? कोई चीज डालते हैं, अब जेब में नहीं डाली जाती, मन दिमाग और जीवन में डाली जाती है। जीवन बदलना चाहिए, जीवन में क्या आना चाहिए। शास्त्र में योग शास्त्र लिखा है कि प्रभु भगत का जीवन योगानुकूल होना चाहिए। योगानुकूल मोटे शब्द में, अगर आप चीज धूप में रखें तो वो टेम्परेचर बदल जाता है, अनुकूलता आ गई ना कुछ, और अगर बर्फ पर रखे अनुकूलता आ गई उसमें। हम आते हैं तो हमारे अंदर क्या अनुकूलता आती है, यदि योग का आश्रम योग के अनुकूलता नहीं, योग के अनुकूलता नहीं चाहिए, योग अनुकूल जीवन क्या होता है, दिनचर्या का नाम जीवन है, काम काज का नाम जीवन है, और इसके काम जीवन है कुछ, तो हमारा जो जीवन है वो ऐसा बने जिसको कहते हैं योग अनुकूल, जिसका जीवन योग अनुकूल होगा वो अवश्य के अलावा और योग के अलावा पता नहीं, तो
का जीवन इस लाइफ का चल रहा है। योगानुकूल का जीवन है कि लोग इस लाइफ का चल रहा है, गाड़ी जिस लाइन पर चलती है वही पहुंच जाती है। योगानुकूल जीवन जिस लाइन पर चलेगा वो, मुझे एक बहन ने पूछा कि हम मतलब जीवन कैसे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है चौरासी में क्या करें, जीवन प्राप्त द्वारा करना को हर एक का काम करें, तो ये उत्तर है कि योग मनुष्य करता है। अगर हमारा मनुष्य जीवन योगानुकूल होगा तो भगवान को मनुष्य जीवन देना पड़ेगा, देता तो भगवान है पर जिसने योग अधूरा छोड़ दिया आगे दूर कर। तो योगानुकूल जीवन में हमें अपना दिनचर्या बदलनी पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान से आप ब्रश देखते दांतों के लिए, वो भी जो ब्रश है ना आगे का दांत करते थे ब्रश करते थे उसका नाम है दंत धोती। हमारे शास्त्र में है दंत धोती करना है, पर दंत धोती करनी है तो नाक की नीति भी तो करनी है और फिर गला भी साफ करना है और आदि आदि चीजें जो है शक्कर की जितनी अवश्य है वो करने होंगे। एक तो ये जीवन करना है और फिर साधु योगानुकूल जीवन का मतलब है कि एक योग की क्लास में शामिल हुए हैं, धीरे धीरे अपने साधन को बढ़ाना होगा। हम कहते हैं कि जो विधि इस आश्रम में योग साधन की सिखलाई जाती है हमारी विधि वही है। सारे जितने आश्रम हैं हमारे, क्योंकि हमारे आश्रम डर कर रहे हैं सैकड़ों हैं और हर एक किसी विधि से करते। अब जैसे प्राणायाम है, अब टीवी पर प्राणायाम और सब देखते हैं, हम कहते हैं हमारी विधि नहीं है, हमारी विधि वही है जो हम सिखलाते हैं। तो वह विधि क्या है, विधि है उसका नाम, क्यों हमारे जो नाम भी है वो जैसे रामायण में लिखा है शास्त्र के अनुसार अपने नाम ही लिखते, नाम कुछ और बात कुछ, हम कुछ नहीं कहेंगे क्या बात है ऐसी चीज नाम कुछ सारे कुछ, क्योंकि पता नहीं लोग मान लेते हैं लोग चुका पता नहीं लोग मान लेते हैं ठीक होगा, लेकिन हमारे नाम में जैसे मैं हम प्राणायाम करते हैं हम कहते हैं उसका नाम शास्त्र लिखा है कि चाहे पांच सेकेंड एक मात्रा में लें और
चार मात्रा में रोके, अभी पांच के जल बीस के और फिर दो मात्रा में, अगर वो पांच है तो दस हो गए, पांच बीस और दस गिनती, ये शास्त्र विधि है। और उधर कह के जिधर से सांस छोड़ा है फिर वे क्रिया उससे कहे, अब ये क्यों ऐसा शास्त्र लिखा है? शास्त्र में ऐसा ही लिखा है कि जब सांस लेने है तो जल्दी ना लेंगे तो कोई पूरा आवाज में नहीं जाएगी, और रोकना क्यों जाता है? रोकने जाता है कि लिया खा तो देते हैं लेकिन पछता देखते हैं ना, अब चार उससे चार में रोकेंगे तो जो अंदर ऑक्सीजन गई है वो मैं काम भी तो करेगी और उसकी जगह फिर ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, जो भी आया सांस का वो हवा का शुरू बदल जाएगा, फिर उसको हमने छोड़ना होगा। अब छोड़ना के दो मात्रा छोड़ो, एक मात्रा में क्यों छोड़े, चार मात्रा क्यों छोड़ो, चार घबरा जाओगे धीरे छोड़ो, और एकदम छोड़ोगे तो बोतल में पानी एक बार निकलता निकलता ही नहीं है, उसको टाइम लगेगा, उसको ऐसा छोड़ो कि पूरा टुकड़ा सांस निकल जाए, जरा लंग्स सिकुड़ जाए, ये शास्त्र विधि है, इस तरह से हम करते हैं, ये हमारा आश्रम का प्राणायाम है और शास्त्र। अब टीवी का प्राणायाम मुझे पता क्या, मैं कभी पेपर कभी देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा टीवी में क्या होता है, वो शक्लें भी नहीं मुझे पता कैसी आती है, लेकिन यह है कि ये हमारा शास्त्र विधि नहीं, मैंने किताबों में लिखा हुआ है, इस विधि प्राणायाम करते हैं। अब हम इसको क्या क्या कितना करना है, हम साधारण तौर पर इसको कहते हैं तीन बार पूरक, एक राउंड हुआ तीन राउंड का, इसका मतलब है तीन बार राउंड करने में आपका तीन बार रुकेगा बड़ा होता है, रोकने में ध्यान देने के ऑक्सीजन डिजर्व होगी, वहां फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, क्यों अब आप जब अंदर जाती है तो फैल जाती है, पहले उस हवा के जब अंदर जाकर होगी फैलेगी हमारे फेफड़ों के नसों को फैलाएगी पाकर देगी, ना ऑक्सीजन तो जाएगी वहां उसकी एक्सरसाइज भी होगी, कुंभक ऐसी जरूरत है, हमारे बहुत सारे प्राणायाम जो है 10 प्राणायाम है 200 ग्राम कुंभक है, तो कुंभक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुंभक करने से हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और उसके अनेकों लाभ होते हैं, दारियों भी लाभ होते हैं। तो अब ये है कि ये मात्र तो एक चार दो मात्रा, अब क्या इस मात्रा को बढ़ाना नहीं है, अगर पांच के क्या तो पांच के बढ़ाना नहीं, सारी पैसे नहीं, उस मात्रा को एक्सपेंड करना है, पांच की बार आठ, आठ बार दस, दस बार सोलह करना, उससे शक्ति बढ़ेगी और उतनी बार कुंभक भी ज्यादा होगा, जितना कुंभक होगा उतना शरीर का जो है हमारे अंदर छाती के अंदर ताकत आएगी, ये हमारा प्राणायाम एक विधि है, वैज्ञानिक विधि है शास्त्र की, इसको बढ़ाना मन किसकी बढ़ेगी जो रोज करते हैं, रोज कुछ कर आप जब नित्य भी करने के बाद प्राणायाम करते रहेंगे आप देखेंगे कि छह महीने के बाद आप अगर एक मात्रा चार मात्रा दो मात्रा जो है उसको एक भी डबल हो जाएगी और चार भी डबल हो जाएगी और दो भी डबल हो जाएगी और ऐसा आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी और ऑक्सीजन आपके अंदर ज्यादा बढ़ेगी, तो ये आप करें। अब उठकर चाहिए पीने प्राणायाम करना है, चाह से कुछ ही पैदा होगा बल्कि गंदा पेट गंदगी और डाले, ये करेंगे अब हमारा अंतःकरण हमारे
देख रहे तुम्हारे साथ शुद्ध होगा, चुस्ती भी आएगी, रात की चुस्ती जाती रहेगी। तो ये सारा कुछ करने में ये करना, ये प्राणायाम करना, वो करना, जो करता है वही योगी है ना। तो योगा पूंजी में क्या हुआ कि योगा पूंजी का मतलब है हम योग करें। ये सारा कुछ जो करता है उसके जीवन खुद ही योगा निकल बन गया। बाकी और भी चीजें हैं योगानुकूल के, योगानुकूल में अब उसमें कहा था योगी हमारी योग की किताबों में जहां ये लिखा है कि हमने आधा पेट खाना है, और ये भी लिखा है कि मित आहार करना है और कैसे करना है और समय पर करना है, वहां ये भी लिखा है क्या खाना है, वो आइटम दी गई है, वो पुराने दर्द और पुराने आइटम जो है लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं। अगर साग का नाम वहां कुछ है तो जहाँ साग का नाम दूसरा हो गया उसका जनरल लेजेंड है कि वहां शाकाहारी है, योगी हमेशा शाकाहारी होता है। तो दो तरह के इंसान इस संसार के अंदर है, शास्त्र भी लिखे हैं, वेदों भी लिखे हैं, रामायण भी लिखे हैं, पुराण में लिखे हैं। इंसानों को दो हिस्से बांटे हैं, एक देव और दानव, देव और राक्षस, देव और असुर। देवताओं की जीवन है वो सात्विक आहार होता है, और जो दानवों या राक्षसों का असुर का खाना होता है वो मांसाहारी होता है और मदिराहारी भी होता है। आप अगर रामायण में देखें तो वो राक्षस शराब पी जाते थे, उनका खाने ऐसा इंसानों को भी खा जाते थे। तो क्या शक्लें तो उनकी हमारे जैसी थी, वही कान वही नाक वही हाथ वही सिर, राक्षसों के सिर पर सींग नहीं होते ना, असुरों के सिर पर सींग होते ना, हमारे सिर पर कोई दिख रहे आहार से बना रहता और आहार से व्यवहार बनते हैं। एक शराब भी के साथ बात करेंगे और जो एक पंडित के साथ बात करेंगे विद्वान का बात डिफरेंट होगी, वो और सब बोलेगा, वो और सब बोलेगा। आहार का असर व्यवहार का है, पर हमने देवता बनना है दान में, योगी देवता होते हैं, हमारा आहार आदि सब ठीक होगा। अगर हम ऐसे दिनचर्या हो सुबह करें अपना आहार ठीक रखें, मित आहार करें और सात्विक आहार करें, सारा दिन बीत जाएगा फिर अगला दिन आ जाएगा, ये है योगा को जीवन बनाना पड़ेगा। आज की सोसाइटी में और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्योंकि आज प्रलोभन ज्यादा है। आज की सोसाइटी हमें उसका और उत्साह रहना है। एक और बात है, ये तो दिनचर्या की बात है, अब ये तो शरीर का है ना, अब मन को भी संभालना है। मन को संभालने के लिए यह है कि मन में भगवान आए, एक शब्द है योगानुकूल जीवन, दूसरा अपोजिट है मायानुकूल जीवन। आप उसे डिफरेंस देखो, एक डिफरेंस को काम करते योगानुकूल जीवन और मायानुकूल जीवन। लेकिन बात यह है हम माया अनुकूल जीवन माया को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए प्रभु जी ने ये रिश्तों के लिए है, भगवान कृष्ण कृष्ण है कि दोनों का समझ में हो। हम ना योग कुछ योग को छोड़ देते हैं, माया को छोड़ सकते, तो हमारा बहुत सारा जीवन जो है माया अनुकूल जीवन।
हर वक्त हम माया में ही रमी रहे। अब माया में रमना, जब माया में रम जाते हैं तो योग से अलग हो जाते हैं। अब यही कोशिश करनी है कि हम संसार को नहीं छोड़े और योग को नहीं छोड़े। उसके लिए अपनी दिनचर्या बदलो। सुबह योग करो, फिर अपने दफ्तर चल जाओ, दुकान चल जाओ, सब करो, वो कम छोड़ता है। पर समझ में हो गए ना, ये नहीं साधु बन जाओ, फिर ये कहते साधु नहीं बनना, अपना ग्रीष्म में जाएगा। पर ग्रीष्म में जाएगा ये कि ग्रीष्म में डूब जाओ और करो ही कुछ ना, और सुबह उठकर बच्चों आए फिर शुरू कर दो। तो ये जीवन हमें दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। और फिर अब मन का क्या बनेगा? भगवान को वो आपने मेहनत करा था ना, कि पतंजलि कहता है एक ऐसा जीवन बनाओ जिसमें से कोई योग में जीवन तब स्वाध्याय ईश्वर प्रतिधारणा, ईश्वर का भजन करो, लेकिन क्या होगा स्वाध्याय। जब हम स्वाध्याय करते हैं ईश्वर को भी याद आ जाता है, और सूत्र भी है स्वाध्याय ईश्वर का साक्षात हो जाता है। अगर ईश्वर अपना जो अपना इष्ट होता है, इष्ट देव का संप्रिय होता स्वाध्याय, इष्ट संप्रिय होता इष्ट स्वाध्याय और ईश्वर इकट्ठे संप्रिय। तो अगर मन को संभालना है तो स्वाध्याय और स्वाध्याय कैसे होगा? एक जेब में नोट हो और दूसरे में किताब, जब टाइम आए किताब जो मिले ऐसा विचार मिलेगा तो मन उसको काम हो जाएगा। ये है स्मृति, स्मृति एक मिनट कभी मैं हम रेल में सफर कर रहे थे, एक बुजुर्ग सरदार जी बैठे थे, पाकर से गुटका निकाला पढ़ निकाला, एक नौ में बैठे थे पाकर में आटा ला शिकल निकला कितना डिफरेंस है। और एक तरफ नौ बैठे थे वो अपने पकड़ के गप्पे मारे थे, गप्पे सुनकर शर पाया डिफरेंस है। योग में जीवन आपके पर्स में जहां पैसे हो लिपस्टिक ना हो वो तो घर की बात है, साथ में ले जाते लिपस्टिक, पर्स में एक तरफ पैसे हो इतना बड़ा पर्स होता आपके पास। मैं कहता नहीं मोबाइल ना लटकाओ, यहां पर मोबाइल लटकाओ, सब लटकाओ, लटकाओ, ये कब तो योग जीवन बनेगा। जब देखो नया विचार मिलेगा, मुझे खुशी होती है कि आज लोग गीता पढ़ते हैं, मैं और मैं वो जंतर में बैठे हुए और मैं लगता है मैं गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि अब आप आते हैं अगर दिल कहता पढ़ने का मेरा आते उसको प्रश्न था वो प्रश्न किसी पंडित के दिमाग में नहीं आए, विद्वान के दिमाग में नहीं आए। एक श्लोका क्यों पढ़ता है और आप आया होगा आपके दिमाग में, मैं आपको जवाब नहीं कहीं मिल रहा होगा और ना ही कहीं से मिलेगा।
बच्चा वही होगा, बच्चा है ना, पर बच्चों के अंदर भी आ जाएगा जब स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय करते करते फिलॉसफर बन जाता है, और फिलॉसफर भी है जो ईश्वर की बातें सुनते हैं, करना पड़ेगा। यह योग गीता इधर हो, मोबाइल इधर हो, पैसे इधर हो, तब कहेंगे जीवन पैसे हैं, मोबाइल है, गीता है, तो वो क्या जीवन करेगा, क्या जरूरत पड़ेगी इसको देखो। प्रश्न था अच्छा लगा, मैंने तो जवाब दिया वो संतुष्ट हो गया, हो जाता है कभी सवाल जवाब को जवाब नहीं है, कहता था कर्म योग और कर्म संन्यास में क्या फर्क है। दूसरा चैप्टर है कर्म योग का, चौथा चैप्टर है कर्म संन्यास का। अब आप जाकर आज जाकर किसी विद्वान से पूछो, आपको वो गीता ही पढ़ क्या नहीं चला, कर्म योग तो होता है, कर्म से होता ही बने होता ही कोई होता है क्या गीता बना चाहे, तो तभी होगा ये आप गीता कर। अब देखो फर्स्ट करो मैं 5 मिनट और है, ये गीता है पाकर से निकाली कहीं से खोली, कहीं से खोली रोज पढ़ा करो, पर जब टाइम ना ऐसा हो आप बैठे हो तो डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन को दूर करो, गीता खोल मैं खोल रहा हूं गीता ये है। अब ये 12 चैप्टर है गीता के, 18 चैप्टर, 18 चैप्टरों के अगर हम नाम देखेंगे योग के ऊपर, मैं इसमें लिखा है कि जैसे पतंजलि ने लिखा है व्यास ने लिखा है योग शास्त्र है गीता का, तो योग शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता सुन, तो योग शास्त्र है हर एक चैप्टर का नाम योग है, जैसे विशाल योग ये दूसरा चैप्टर है, सांख योग तीसरा है, कर्म योग चौथा है, 18 के योग के नाम है, तो योग का ग्रंथ है और हम योग का ही ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, ये योग का ग्रंथ आप पात्र मिल जाए और खोलो विचार में देखो आसान है और योग के ग्रंथ मुश्किल है। अब मैं नहीं कहूंगा योग दर्शन का पाठ करो, योग दर्शन मुश्किल है, हाँ वो छपा है इतना अभी आया छपका लेना, उसका नाम है योग साधना, वो प्राकृतिक उपाधि वो समाधि उपाध जो है वो उठा है, हम उसका पाठ करते शुक्रवार को जाता हूँ, इतना अच्छा है इतना अच्छा है, वो मैंने नहीं छुपाया जी, मान जी रिमाइंड में से देखकर पाठ बना दू, ये मान जी की कृपा है, उन्होंने बनाया उनको शौक रखते। अब देखो पर तो दूसरा चैप्टर बोलो तो एक एक अगर करेगा पहले सुन गए हम मोक्ष जाते हैं वैराग्य मोक्ष की सीढ़ी का याद आ गया, अब मोक्ष जाते हैं तो सीढ़ी क्या है वैराग्य, अब पूछा सोचते वैराग्य विचार आता रहेगा, विचार आता रहेगा डिप्रेशन चल जाएगा आ गया डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की जो है अमर त्रुटि वाली अमर डिप्रेशन हरण जो डिप्रेशन है उसका ये होना चाहिए, खोल लो सिरे पर मोक्ष की नहीं पर मोक्ष दूर है, मोक्ष से पहले भी कुछ होता है ज्ञान का आरंभ तक ज्ञान मिल चुके तो टाइम हो गया, लेकिन क्या कहने का मतलब यह है कि गीता है बैठे हो उदास खोल एक शब्द मिलेगा,
धीरे धीरे आप दार्शनिक बनते हैं। दार्शनिक वो होता है जो आत्मा को ईश्वर की सोचता है। अब मैंने कई बार कहा हमारे जम्मू का प्रदर्शन होता है, मैं जम्मू नहीं पढ़ा, मेरे भाई जम्मू पढ़े हैं, वो बड़ा विद्वान प्रदर्शन होता है। उसे डॉक्टर था, संस्कृत का विद्वान था, सूत्र गाता था, तो उसका एक स्टूडेंट था, साथ कर रहा था, वो कई बार कहा इसराइल में दृष्टा हूँ सच्ची बात। चलते चलते अब जम्मू में ऊँट भी आते रहते ना, ऊँट के नीचे आने लगा, गजा मोटर के नीचे आने, तो स्टूडेंट का दर्शन और देखा ही, मेरा तो ध्यान नीचे तक था, मैं तो अपने सोच रहा था अब ये फिलॉसफी भी, तो भाई कहता मैं समझता हूँ जो जिसकी नजर इधर उधर घूमती है वो फिलॉसफी, संस्कृति उसे बदलती, संस्कार विभाग था। उसने कहा एक अतार्किक, मैंने एक फिलॉसफर, एक होता अतार्किक जो फिलॉसफर था, एक होता नीचे देखना, एक होता ऊपर देखना, एक होता अधोदृष्टा, एक तो ऊपर दृष्टा, तो ऊर्ध्वदृष्टा में ऊपर देखना। तो कहता जो ऊर्ध्वदृष्टा है ना वो फिलॉसफर नहीं है, ऊर्ध्वदृष्टा अतार्किक का ऊपर देखते हैं वो फिलॉसफर नहीं है, जो नीचे देखता है। तो मैं तो फिलॉसफी का सुधार हूँ, चाहे कह नीचे आता बच गया, पर मैं क्या करूँ, मेरे ध्यान आखिर। तो जीवन हमारा फिलॉसफी है, योगानुकूल जीवन इसको नाते हैं। गंभीरता बात तो चार सौ आ जाए, लेकिन एक प्रश्न आप करते हैं कि हम क्या है, एक तो रोज योग करें दिनचर्या, और दिन को अपने काम का करें, लेकिन एक देर में जब जरा प्रश्न हो खोल के देखिए इसमें क्या है, एक विचार आएगा काम भी चलता रहेगा, इधर उधर नहीं देखें, कत नहीं मारेगी। अगर एक सिपाही रेल में ये करता है तो ठीक करता है ना, रेल का सफर कट जाता है, और हम सिगरेट पी लें सफर कट जाते हैं, बड़ा फर्क है नरक और स्वर्ग का फर्क। वो हमने योगानुकूल जीवन की बात चली थी, आज हमने यहाँ से पर विचार दूसरे जाने पर विचार कि हमारा जीवन योगानुकूल हो, लेकिन जब तक एक बात ये ना बोला और लोग रखते अगर मैं भारी वो जो गुटका रखता है तो भारी नहीं होता, जिस ऐसे ही होता है, और एक मुझे बड़ा अच्छा लगा एक खतर बैठे इनके दामाद हैं कनेडा के अंदर, उनके साथ एक इंग्रेज आया था कनेडिये, मैं मुझे मिलने आया उसके साथ ही गाते वक्त ही धर्म की बात हुई, उसको अच्छा था कुछ बात। तो मैंने गीता भी लिखी, उसमें बाइबल की मैंने कहा मुझे मैंने बाइबल लिखी, तो मैंने बाइबल का पूरा लिखा लेकिन साइड कर दिया, तो बादशाह जी बड़ा खुश कि आपको ये भी आता है, मैं अच्छा लगता है मेरे पास बाइबल है, बाइबल कहता है ये मेरी बाइबल छोटी है, देखो कहाँ से आया है, हमें ये मुश्किल लगता है, उसने अपने पाप से ऊपर बाइबल निकाल दी, बाइबल पता है कितनी मोटी थी, जितना मेरा दूसरा खंड रामायण था, देखो ये पढ़ता रहता हूँ सफर भी पढ़ता है, तुम्हें देखा निशान लग रहे थे, देखा क्या लगा, मैं खुश हूँ मैं और ले लूंगा या अपने बाइबल को ले जाता, वो बाइबल उसकी मैं संभाल के रखी उस कपड़े पर मैं जहाँ वो रामायण पढ़ी है भागवत पढ़ा है वहाँ खुशी होती कि वो लोग ईश्वर को याद करना चाहते हैं, तो ग्रंथ भी एक माध्यम है, हम ग्रंथों को उठा सकते हैं, तो ईश्वर याद करना हम ध्यान लगा कर ध्यान क्या ले लगे, आपका मसाला ही कोई नहीं, कोई मसाला ना हो तो कैसे पकवान बनेगा, ये मसाला। तो हमें जहाँ योग रोज करना है वहां अपने स्वाध्याय की करनी, और स्वाध्याय का ग्रंथ
अपने दिल से रखना पड़ेगा, नहीं तो वो डिप्रेशन डिप्रेशन चलता रहेगा। डिप्रेशन का मेरे पास कोई इलाज नहीं, ये तो मैं कहता हूँ डिप्रेशन में तुम्हें फोन कर देगा तो कितने एक एक से अंकेज होगा, ये तो आप बता सकते हैं। आज का विषय यही था कि हम योगानुकूल जीवन लाए मायानुकूल जीवन, अब इसके विपरीत मायानुकूल का हो तो मैं